नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 30 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि द्वादशी है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, शरद ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 10 है। मुहर्रम माह चल रहा है, हिजरी सन 1442 है। तिथि द्वादशी दिन में 8:22 तक, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दिन में 1:52 तक, उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य दिन में 1:57 तक, उसके उपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 8:22 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:09 पर और सूर्यास्त 6:46 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य सिंह राशि में जो उसकी स्व राशि है, मंगल मेष राशि में जो उसकी स्व राशि है, बुध सिंह राशि में जो उसकी मित्र राशि है, बृहस्पति धनु राशि में जो उसकी स्व राशि है, शुक्र मिथुन राशि में जो बुध की राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में जो उसकी उच्च राशि है और चंद्रमा मकर राशि में शनि के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो त्रिपुष्कर योग दिन में 8:22 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन में 1:52 तक है और रवि योग दिन में 1:52 से दिन में 3:07 तक है। प्रदोष व्रत आज है, हरिवास भाव आज है, ताजिया आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:44 से 9:18 तक है। लाभ और अमृत चौघड़ी 9:18 से 12:27 तक है। शुभ का चौघड़िया 2:02 से 3:37 तक है। राहु काल विला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज शनि चंद्रमा मकर राशि के अंदर साथ में है और मंगल स्व राशि से। मंगल जब अपनी स्व राशि में होते हैं मित्रों तो प्रॉपर्टी व्यवसाय को धीरे धीरे वो उस तरफ पूंजी का प्रवाह करते हैं। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे सोने और चांदी बहुमूल्य धातुओं के मूल्य जो है वो थोड़े कम हुए हैं और एक तरफ प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ खाली यहाँ शनि का अपनी राशि में होना फ्लक्चुएशन है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अनुसार मंगल भूमि की चीज़ों के अंदर रन करते हैं, यानी कि जैसी अर्थ की स्थिति होती है उसके अनुसार मूल्यों में उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि कुछ भूमि के व्यापार के संबंध में कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी होती हुई दिखाई देंगी। उसका दिन है, ये इसका भी दिन है कि जहाँ सूर्य और बुध दोनों व्यवसाय की राशि के अंदर, सूर्य स्व राशिस्थ होना तो बहुत सारे नए नियम, प्रशासकीय कार्यों की तरफ नज़र, प्रशासक अपने अपने कार्यों को बहुत तत्परता से करते हुए और किसी खास कार्य के ऊपर जुट जाने, डट जाने और नए परिणाम पाने के लिए दौड़ने दौड़ भाग करने का दिन है। तो प्रशासनिक दक्षता दिखाने का दिन है। जो जिन व्यवसायों के अंदर प्रशासनिक रूप से आपकी दक्षता जितनी बढ़िया है, आपने जितने अच्छे प्रबंधन कर रखे हैं, तो प्रबंधन की जीत का दिन है आज अगर सही तरीके से देखें तो आप अपने जितना बढ़िया आप कार्य कुशलता दिखाएंगे अपने कार्यों के अंदर, उतने ही अच्छे परिणाम आप पा सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सवालों और राशियों के अनुसार आज के आपके दिन पर चर्चा करेंगे। करते हैं आपके सवालों की और राशियों के अनुसार आज के आपके दिन की स्थिति की। पहले बात करते हैं आपके सवाल की, ये भेजा है मैं उत्तम सिंह जी ने। इनका कहना यह है कि 28/7/2002 इनका डेट ऑफ बर्थ है
और पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके लिए कोई उपाय बताएं। बिल्कुल उत्तम, आपको अपने पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि मन को जो आपके एकाग्रता को जो भंग कर सकती है उन सभी चीज़ों के द्वार आपको बंद करने होंगे। जैसे कनेक्टिविटी देना आपको बंद करना होगा अपनी कल्पनाओं को, तो चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे दृश्य हो, इनको कट करना पड़ेगा अपने आसपास से। तो आपको तेज़ आवाज़ ना आए ऐसा एकांत आपको मिले पढ़ने के लिए। दूसरा, आपको दृश्य अपने आपकी कल्पनाशीलता पर हावी ना हो जाए, आपको आपके मन को ना ले जाएं, इसके लिए आपको इस पर भी अंकुश लगाना होगा। तो आपको बहुत चीज़ें ना दिखाई दें, ना बहुत चीज़ें सुनाई दें, तो फिर आपकी एकाग्रता बढ़ने में ये मददगार साबित हो सकता है। दूसरा, आपके आसपास कलर्स, आप अगर येलो कलर अपने आसपास ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सोच का दिशा जो है वो पवित्रता की तरफ जाएगी, आपके सोच कोई नकारात्मक या तनाव से जुड़ने से मना कर देगी, तो ये आपको बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। आप अपनी वॉल्स को पेंट करा सकते हैं येलो कलर के अंदर, लाइट येलो कलर के अंदर अगर आप कराते हैं तो ये आप अपने आसपास के इक्विपमेंट्स हैं वाइट कलर के रख सकते हैं आप, इससे भी आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। तो ये दो तीन उपाय करने से, और उगते सूर्य के समय जल्दी उठें, कैसे भी करें, रात को आप एक ऐसे समय तक सो जाएं, सुपाच्य भोजन करें, इससे भी आपको बड़ा आपको फायदा मिलेगा। और अपने पढ़ाई के जो सुबह के जो 5 घंटे हैं वो 5 बजे से 10 बजे तक रखें, बीच में निवृत्त होकर के अगर आप आधा एक घंटा को बीच में यूज़ करना चाहें तो बात अलग है, पुनः सुबह सुबह 10 बजे तक आप 5 घंटे अगर पढ़ लेंगे तो लोगों का दिन 10 बजे शुरू होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे मीलों पीछे छूट जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर इस तरह की चीज़ों का काम में लेते हैं तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। अगर थोड़ी ज़्यादा बाधा हो तो सुनहला पीले कलर का एक बॉल लाइट आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने हाथ में पहन सकते हैं पुखराज, या गले में डाल सकते हैं, या पीले कलर की लाइट लगाने से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह की स्थितियों से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन धन उपार्जन और भावनात्मक संबंधों में बेहतर परिणाम देने वाला होगा। तो आप जिस ओर खड़े होंगे, आप अगर भावनात्मक संबंधों को ठीक करने के लिए खड़े हैं वहाँ अच्छे परिणाम है, और धन के लिए तो अच्छा है ही आज आपका दिन। कूटनीतिक वार्ताएं सफल होती हुई दिख रही हैं, येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9वां अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष, दिन की शुरुआत में खर्चों में वृद्धि से थोड़ा दबाव अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन अंत अच्छे धन लाभ के साथ होगा। पूरी तरह से देखें तो दिन आपका पॉजिटिव रहने वाला है। जीवन साथी से बहस में बिल्कुल नहीं उलझना है। शेयर बाजार में अनिश्चितता की स्थितियां रह सकती हैं, तो अपने धन को उसमें ना उलझाएं। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5वां अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन, बेहद व्यस्त कार्यक्रमों में से अपनी रुचि के कार्यों के लिए समय निकालें। धन जितनी तेजी से आएगा उसी अनुपात में खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा धैर्य रखना होगा आपको। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4वां अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं साचोर से। इनका कहना है कि पढ़ाई तो ये करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। 6/8/1989 यानी कि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं शायद, कि जहां इनको सफलता नहीं मिल रही है पढ़ाई करने के बावजूद। पढ़ाई करना एक बात है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा मेहनत करना, उनसे ज़्यादा एकाग्रता दिखाना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप चाहें तो अपने जो दिमाग को इस तरह से आप एक आदेश दे सकते हैं कि आपको अपने जो पढ़ने के घंटे वो बढ़ाने होंगे। तो सुबह मॉर्निंग आवर ज़्यादा काम में लें, नाइट में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जागें, और एक तरह से शारीरिक मेहनत भी उतनी ही आवश्यक है आपके लिए, आपकी डिटेल्स के लिए, जितना आपकी मानसिक मेहनत। आप हो सकता है कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन वो आपके अंदर नहीं जा रहा हो, तो यहाँ आपकी डिटेल्स बता रही हैं कि आपकी स्थितियाँ शारीरिक मेहनत पर उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि मानसिक पर है। तो आपको शारीरिक मेहनत भी करनी है, ऑक्सीजन का इंटेक बहुत करना है, व्यायाम बहुत करना है, पढ़ने के घंटे चाहे थोड़े कम हो जाएँ तो भी कोई इशू नहीं है यहाँ।
तो इस तरह की चीज़ देखें। आपकी गणितीय दक्षता वैसे तो ठीक है, लेकिन और बेहतर करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, यह आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। पन्ना के साथ पुखराज अनामिका उंगली में पहनते हैं तो आप राजकीय कार्यों के अंदर आपको सफलता मिलने की स्थितियां बनती हैं। तो ये सब उपाय करें, आप देखेंगे आपको आपकी सफलता जल्दी मिल सकती है। 2023 एक ऐसा समय है जहां पर आपकी सफलता के योग बहुत बेहतर दिख रहे हैं। नवंबर के अंदर भी एक छोटा योग है, इनमें से कौन सा योग पे आप अपना अधिकार जमा पाते हैं ये देखते हैं। कर्क राशि, दिन तेज घटनाओं क्रमों से गुजरने वाला है आज आपका। भावनात्मक स्थिरता से अपने महत्वपूर्ण कार्यों में गति लाने का समय। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहें, लापरवाही ना बरतें। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, धन से भरपूर दिन है आज। जितनी आप कार्य ऊर्जा लगाएंगे उतना ही प्रकृति से समर्थन आपको मिलेगा। पारिवारिक वार्ताएं लाभकारी रहने वाली है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, बहुत सारी नई जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रख सकती हैं। यात्रा भविष्य के लिए शुभ रहेगी। आशंकाओं पर आधारित कार्य बिल्कुल ना करें। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं कोटा से, इन्होंने पूछा है कि इनके रुके हुए पेमेंट कैसे आए। 22/2/1987 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजा है। इस बात के मायने क्या है, इस बात के मायने ये हैं कि इन्होंने जो डिटेल्स भेजी हैं उन डिटेल्स से जो भाग्यांक और मूलांक निकल करके आता है वो ऐसा है कि जिसके अंदर पेमेंट्स नहीं आना अदर समस्या हो सकती है। उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जिनके पेमेंट्स अटक जाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन आपकी समस्या कुछ दूसरे तरीके की है। इसमें आपके मन की नकारात्मकता, आपके मन की निराशा और किसी भी कार्य के अंदर पहले से ही ये मान लेना कि आपको सफलता नहीं मिलने जा रही है, ये बहुत बड़ा कहीं मुद्दा हो सकता है। उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में अपने ही चीज़ों के प्रति, कोई डिमांड के प्रति, अपने राइट के प्रति, अपने राइट्स को लेने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अगर आप पहले से ही नकारात्मक हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता, मैं कैसे मांगूं, वो देंगे ही नहीं, मैं जाऊंगा तो वो मना करेंगे, या आपके मन में अगर पहले से ही उन सवालों के जवाब जो आप कार्य करने जा रहे हैं अगर आपको नकारात्मक मिलें तो चेतावनी है ये। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने अंदर बहुत तरीके से बदलाव लाने पड़ेंगे, अपनी चीज़ों को बदलना होगा कि नहीं मैं जाऊँगा तो परिणाम मिलेंगे ही, आज तो पेमेंट देने ही वाला है, इस कल्पना को अपने मन में पहले आपको डालना होगा। साथ में चाहें तो टाइगर आई एक रत्न आता है, वो अगर आप अपने पास 10 कैरेट के आसपास का रखते हैं तो इससे बड़ा आपको फायदा होगा। आपकी नकारात्मकता दूर होगी, आपकी आक्रामकता बढ़ेगी और आपको लगेगा कि नहीं ये काम होने ही वाला है और उसने मना किया तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 2 घंटे बाद, आप ये ना पूछें कि कल कब आना है। आपका सवाल ये टाइगर आई के बाद और पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद हो सकता है कि हो जाए कि अच्छा तो 2 घंटे बाद आ जाऊँ, यानी कि आप इतने आशावान भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर टाइम बाउंड अपने आप को करते हैं प्रयत्नों को तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। ये साथ ही साथ में अगर आप टाइगर आई पहनते हैं 10 कैरेट से ऊपर का, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपका पेमेंट कहीं भूमि संबंधी विवादों में या अन्य प्रकार के ऐसे लोगों के साथ जो थोड़ा सा अपने आप को बाहुबली तरीके का समझते हैं उनके साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप मूंगा पहन सकते हैं, वो भी 10 कैरेट से ऊपर का। ये भी आपके लिए आपको उतना आत्मविश्वास, सच्चाई पे खड़े रह करके अपनी बात करने वाला और अपनी चीज़ों को हर तरह से उनके लिए संघर्ष करके हासिल करने की एक ताकत, मन की ताकत आपको दे सकता है। तुला राशि, प्रतिद्वंदी लगातार चुनौती प्रस्तुत करेंगे, क्षमता से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। सहज रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम पाएंगे। भावनात्मक वार्ता टालना ठीक रहेगा आज। डार्क ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, शानदार कार्य परिणामों से उत्साहित होकर के अपने लिए ज्यादा सुविधा और अधिकार के लिए प्रयत्न करना चाहेंगे आप। आनंद के पलों में भी मन स्थिर रह पाना
चुनौतीपूर्ण रहेगा। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और नौ का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनुराशि, अति विश्वास से बचें। नए व्यवसाय और जॉब परिवर्तन के लिए यह सही समय है। अगर आप कोई स्विच ओवर देखना चाहते हैं तो ये कुछ संयोग ढूंढने होंगे आपको, तो सफलता मिल सकती है। वाहन लेकिन सावधानी से चलाएं। मैरून कलर आज आपको सूट करो और पांच का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं शुभम का। ये पूछ रहे हैं 15/9/1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। शुभम, वैसा नहीं है कि मिल नहीं सकती, लेकिन प्रयत्न करने पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन आप व्यवसाय के अंदर ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। आपकी सोच और आपका कार्य करने का तरीका अद्भुत है। आप व्यवसाय में जितने बढ़िया हैं उतने बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपको मिल भी जाएगी तो वहाँ आप असहज और अनकम्फर्टेबल अपने आसपास के लोगों से अपने आप को महसूस करेंगे। उतने कम धन में आपको आपका मन नहीं मानेगा। तो हो सकता है कि आप जॉब लेने के बाद में प्राइवेट जॉब या अपने व्यवसाय के लिए लौट आएँ। तो पहले प्रयत्न करके देख लीजिए क्या आपको प्राइवेट जॉब के बाद अपना व्यवसाय, ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन ठीक लगता है। तो इस तरफ एक बार एक ट्राई करना आपका बनता है। साथ ही साथ आप चाहें तो केतु के लिए, जो आपको सही डिसीजन लेने की तरफ ज़्यादा निराशाजनक से आप ठीक हो जाएं, लहसुनिया पहने, आपके आसपास के लोग और आप खुद अपने लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका फायदा आपको मिल सकता है। तो लहसुनिया पहने 10 कैरेट के आसपास का, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मकर राशि, विदेश व्यापार या विदेश शिक्षा से सफलता के लिए प्रयास करें आप, उपयुक्त समय है। भावनात्मक समस्या के समाधान का भी सही समय है। व्यापारिक वार्ता शुभ फलदायी रहेगी। लाइट ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, आठ का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, व्यवस्था परिवर्तन पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करें। बदलती हुई चीजें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। उच्च अधिकारियों से समन्वय बनाकर चलें तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। पारिवारिक कार्यों पर धन खर्च करके जिम्मेदारी और संतोष का अनुभव करेंगे। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, दो का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, धन के लिए अभी इंतजार करना हो सकता है। सफलता के लिए कूटनीतिक व्यूहरचना को भेदना होगा। लोग आपके चारों तरफ एक जाल लेके खड़े हो सकते हैं, उसको काट के आगे निकलना है आपको। समझदारी से भी दिखानी पड़ेगी। आसपास की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको लग रहा है कुछ आपके इंट्यूशन हो रहा है तो उसको, उस पर काम करें, सोचें, विचार करें उसके ऊपर, उसको ऐसे ही ना छोड़ें। नहीं तो परेशानी में आने के बाद फिर आपको लगेगा कि आपको इंट्यूशन तो हुआ था लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर रहा है, छह का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और सितारों के सितारों में बात करेंगे ऐश्वर्या राय की कुंडली के साथ मानुष छिल्लर की कुंडली की। बने रहिए भाग्य में।